हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आई आप सब? बोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है अघोई अष्टमी और आज मेरा फास्ट है और मैं ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ आज, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ ऐसा मैंने अभी तक किया ही नहीं है। बस ये लोगों को नाश्ता कराया था, उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे को पता नहीं आज क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तक्ष भी सो गया था तो फिर मैं भी, मेरी भी आँख लग गई थी, मैं भी सो गई थी तो, और विहान भी सो रहा है उस टाइम। सो क्या कहते हैं, कुछ दिनों से ना ऐसा ही हो रहा है, दिन में 1 मिनट लेटने को नहीं मिलता है। और क्या कहते हैं, रात को क्या कहते हैं, बस सोना होता है, उसमें भी 2-3 बार उठा ही देता है तक्ष, अभी भी उठाता है वो। सो वही है, अभी हम बस सोकर ही उठे थे और आज लाइट नहीं आ रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग तो स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं जाऊँगी किचन में, खाना बनाना है बहुत सारा। और आज के दिन ना मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी डेट भी होती है, मतलब आज के दिन वो हम सबको छोड़ कर चले गई थी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में काम करके आ रही हूँ। अरे होठ फट रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आ रही हूँ किचन में से काम करके और खाने की प्रिपरेशन करके काफ़ी कुछ कराई, मतलब 50% काम मेरा हो गया है और अब 50% बाकी है। मैंने कोई भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मतलब तक्ष और वो बहुत परेशान कर रहे थे। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये होते तो ये देख लेते, लेकिन मैं अकेले ही देख रही थी और फिर मैं पहले बिहान को बोल देती थी जो टीवी देख लो, तो इन दोनों ने मिलकर रिमोट तोड़ दिया है टीवी का, तो जिसकी वजह से टीवी भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। और ट्राइपॉड वो छोड़ता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अभी दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या करके आई हूँ। थोड़ी देर आई हूँ रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी उसके बाद जाऊँगी। और मैंने हाँ अभी 1 गिलास पानी पिया क्योंकि दिन ढलने से पहले एक बार पानी मैंने पी लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील हो रही थी। तो वही है, और देखो कितनी बदमाशी कर रहा है, बार बार किचन में जा रहा है कुछ ना कुछ करने। और पता है देखो, मेहंदी ना थोड़ा छुटने छुटने जैसी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है ना, खुरदरी खुरदरी हो गई है। सो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। कहाँ कर ले गया तुम? ये देखो क्या करता है, इधर देखो, छोटा छोटा कहाँ कर ले गया तुम? आज तुम्हें मालूम मम्मी ने व्रत रखा है? किसके लिए रखा है? और पापा के लिए, चक्को के लिए। तो मम्मी को क्या गिफ्ट हो गए? क्या? आई फॉरगॉट। थिंक अबाउट इट। क्या ये, क्या बदमाशी है? छोटे ओ छोटे, नहीं आ रहे थे, इधर आओ, निकाल निकाल, पहले उसको बोल। ये देखो ऐसे ही कूलर को नचाता रहता, पूरे घर में नचाता रहेगा बंदर कहीं का। इधर लाओ बयान, मेरे को गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, किचन में से आओ तो क्या कहते हैं, गर्मी लगती है। और एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि ऐसे सैड सैड होकर वीडियो मत बनाया करो। मैं भी जब वो वीडियो एडिट कर रही थी तो उसमें मुझे भी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही, मतलब एनर्जी एकदम बिल्कुल डाउन डाउन मैं साउंड कर रही थी। मैं कितना भी एनर्जी डाउन फील करूं, लेकिन मुझे वीडियो बनाते समय थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करके बनाना चाहिए, तभी तो एक अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा लग रहा था। सो सॉरी फॉर देट, बट मैं आगे से पूरा पूरा ध्यान रखूँगी। आपने बोला मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग जो अगर नहीं बताओगे तो हमको कैसे पता चलेगा।
आपने ये चीज़ बताया तो मुझे भी ये चीज़ लगी थी कि, और आपने बोला तो मुझे और ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना रहेगा। हम तो वही है, अब मैं क्या कहते हैं और ज़्यादा ध्यान दूंगी, और अभी मैं शाम को रेडी होंगी। एज यूजुअल बहुत ज़्यादा गर्मी है आज भी, और हवा का तो नाम नहीं चल रहा है। पता नहीं इस बार क्या हो गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैं सोच रही हूँ सूट ही पहनूंगी अगेन, वो भी आपने नहीं देखा है तो वो तीनों सूट जो मैं आपने देखे करवा चौथ ब्लॉग में और इस ब्लॉग में देखेंगे। तो वही मेरे को इन्होंने गिफ्ट दिए हैं करवा चौथ पे, तो वही मैंने पहने और आज भी मैं सोच रही हूँ वही पहनूंगी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। स्केल से खेलने से क्या होगा, तुम्हें क्या मज़ा आता है इससे खेलने में? थोली जी पुतिर दे दो, पहचान तो तुम बहुत करते हो। इतना इतना पाल करता है। अरे दादा पीछे ये का किया तुमने, का किया मम्मा के पीछे? ए मम्मा का क्लेचर निकाल दिया, मम्मा को भी खाना और बनाना है। मम्मा को बाल बांध के लेने दो, पर खाने में बालू बालू ना आ जाए, इसलिए मम्मा बाल बांध के रहती है, इसलिए बाल बांध के रहती है। तुम तो बहुत बदमाशी करते हो। हाँ बदमाश, हाँ बदमाश, हाँ बदमाश। आज थोड़ा रिलैक्स है ये। तो फ्रेंड देखिए मैंने ये दाल की पिट्ठी बना के रख ली है, और यहाँ पे ये गुलगुलों का आटा घोला है, और इसमें मैंने आटा लगा के रखे हैं, और इसमें मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने। मैंने कुकर में ही बन डाल दी थी, कुकर में भी अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी ना बने, और मुझे आज थोड़ा जल्दी थी तो इसलिए मैंने कुकर में ही चढ़ा दी। और इसमें बने हैं छोले, बहुत जल्दी जल्दी में बनाया ना खाना तो मैंने उतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। मुझे लग रहा था बस जल्दी से बन जाए, थोड़ा सा और प्रेशर देने की ज़रूरत है। और देखिए कलर कितना सुंदर आया है ना, ये देखो मैंने चाय की पत्ती का पानी भी डाला है इसमें, और ये देखो मेथी आलू लग रहा है ना कितने यमी। और ये लेकर आए हैं कुछ मीठा, क्या लाए हैं देखते हैं। ये बोले कि तुम्हारा व्रत है तो कुछ तो, वाओ कितने यम्मी लग रहे हैं ना मोतीचूर के लड्डू। तो इसको तो हम रख देते हैं फ्रिज में। सो फ्रेंड्स इतना काम तो मैंने कर लिया था, अब मैं इसके आगे का काम करूंगी, और पूड़ी कचौड़ी भी अभी ही बना के रख दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि गरम खाना है ये वो, सब्जियाँ बस गरम कर लेते हैं और बाकी ठंडा ही अच्छा लगता है, तो साथ में बैठकर खाना अच्छा लगता है इसलिए। तो अभी मैं लगा दूँगी ट्राइपॉड में मोबाइल, ये इसको ये आ गए हैं तो ये देख लेंगे थोड़ा तक्ष को, और मैं बनाती हूँ खाना।
And I know you would say I gave up way too soon. Mm-mm. मैं हो गई हूँ रेडी और ये मैंने कुछ मिक्स मैच करके लिपस्टिक लगाई है. कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. मैंने बस ये वाले इयर रिंग्स पहन लिए हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में है. और क्या कहते हैं, मैंने ये वाला ड्रेस पहना है. हाँ, थोड़ा लाइट कलर का है फेस्टिवल के हिसाब से, बट ये मेरे पास नया था तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ. नहीं तो मेरे पास और आउटफिट्स भी रखे हैं, बट ये पहनने का मन था. और इसका प्लाजो बहुत अच्छा है. सो मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपना लुक दिखाऊंगी. सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ. और आज मैं फूल मंगाना भूल गई हूँ. और नीचे फूल वाला वो मतलब पेड़ है, बट वहाँ से फूल भी नहीं तोड़ सकते. अब रात हो गई है, मेरे को जस्ट अभी याद आया. सो कुछ नहीं कर सकते, अब ऐसे ही बस जस्ट पूजा करूँगी. बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं भूल गई हूँ आज के दिन. सो बस अगोई माता से यही है कि वो मुझे माफ़ कर देना, बस मेरे व्रत को स्वीकार करना. मेरी जो व्रत के लिए जो मेरी वो है आस्था, उसको स्वीकार करना. और जो गलतियाँ हो रही हैं मुझसे, वो मुझे माफ़ कर देना. क्योंकि दो गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ. एक जो कम हुई होती है उसको क्या कहते हैं, उसके मतलब मंगाना मैं भूल गई. तो अभी मैं कुछ ऐसे ही रखूँगी, उसके रुपए रख दूँगी जो कम हुई होती है उसके. सो वही है. और ये इयररिंग्स मैंने पहन लिया, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है. आप देख रहे हो मैंने कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, जस्ट लिपस्टिक लगाई है. तो अभी पसीना पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. अभी तक्ष को मैंने सुला दिया है तो मैं अभी शांति से पूजा कर सकती हूँ, ये अच्छी बात है. तो जल्दी मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी से मिलूँगी. खाना पीना बन के सब कुछ रेडी हो गया है और मैंने अहोई माता को भी बिठा दिया है. बस जस्ट मैं जल्दी से पूजा कर लूँ. फ्रेंड्स, पूजा वगैरह करने जो है वो हो गई है. अर्घ भी दे दिया है तारों को. बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखते हैं यहाँ पर, थोड़े थोड़े दिख रहे थे तो वही हमने अर्घ दे दिया है. अब मैं पीऊँगी पानी, फिर उसके बाद खाएंगे खाना. अभी टाइम देखो क्या हो गया है, 9:15 हो गया है. मैं 3:30-4 बजे से लगी हुई थी. फिर खाना पीना ये सब किया, उसके बाद थोड़ी देर तक्ष को देखा, उसको खिलाया पिलाया, फिर सुलाया. फिर मैं नहाई और रेडी हुई, तैयार पूजा वगैरह की, वो सब करते करते 9:30 बजने वाला है. सो अभी बस बिहान है, बिहान पैर छुएगा मेरे, उसको आशीर्वाद दूंगी, उससे पानी पीऊँगी. हो गया मेरा व्रत ऐसा जैसा, सिंपल सा रहा मेरा अहोई अष्टमी का भी डे. और आप लोगों का कैसा रहा मेरे साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना. और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा. और मैंने ये अभी अहोई पहनी है, हमारे यहाँ ये पहनी जाती है, तो ये मैंने पहन ली है. सो और अगर आप लोगों ने मेरे इस ब्लॉग को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दो, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दो. और मेरे को क्या कहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लो. और थोड़ा थोड़ा मैंने शूट करने की पूरी कोशिश की. अगर आप लोग चाहते हो मेरी रील्स देखना तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो. सो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय. कल से फुल ऑन दीपावली की सफाई और जो भी प्रिपरेशन करनी है वो सब स्टार्ट हो जाएगी. 1 वीक बचा है बस दीपावली में. सो उसके ब्लॉग्स मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ शेयर करूँगी. सो बाय.
कहा कहा हुआ भी बाबू को? अच्छा अच्छा आओ मम्मा पा चा 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 आजा 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 आओ आओ मम्मा पा जाओ। अच्छा तक्ष ना अभी सोकर ही उठा था और विहान को इन्होंने बोला था कि जाओ चलो मम्मी के पैर छुओ, आशीर्वाद लो मम्मी का, आज का दिन तुम्हारे लिए था। तो वही मैं तक्ष को बोल रही थी, तक्ष आओ मम्मा के पैर छुओ। सो तक्ष अपनी मस्ती में मस्त था, लेकिन उसने मतलब मैंने जैसे जैसे उसको बताया वैसे वैसे उसने किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मतलब बहुत अच्छे से करता है, मैं जो बोलूँ वो करता है। अगर उसका मूड से अपने फ्रेश हो ना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो हर बात मानता है। तो अभी उसने ऐसे पैर छू लिए, ना क्यूट लगता है। बार बार तो ना मेरी ही इसको नज़र लग जाती है, तो मैंने कहा चलो मेरे को पानी पिलाओ दोनों जने। तो दोनों के हाथ से मैंने पानी पिया था। और यहाँ पे थोड़ा कपड़े रखे हुए हैं टेबल पे, तो उसको इग्नोर करना। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी तो विहान को मैं बोल रही थी कि विहान मुझे पानी पिलाओ अपने हाथ से। तो ये आज से पहले मैंने कभी ऐसे नहीं मतलब किया। जब सुनते हैं तो मैंने कहा चलो करना चाहिए। जब करवा चौथ पे हस्बैंड पिलाते हैं तो आज के दिन बेटे क्यों नहीं पिला सकते हैं। तो दोनों के हाथ से मैं पी रही थी। तो देखो तक्ष मतलब कैमरे की तरफ ही देख रहा था कि मैं जाऊं और फटाफट से अपहेड करूं। तो मुझे प्यास इतनी जोर लग रही थी, ये लोग इतना चला जरा सा पिला रहे थे और मैंने पूरा ग्लास पानी पिया। पता है अगर इस तरह का व्रत रखते हो ना तो फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आप खा भी कुछ नहीं पाते हो, बस पानी पानी पीते रह जाते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और जब गर्मी होती है ना तो उस टाइम में प्यास बहुत ज़्यादा ही लगती है। वैसे तो मैं इस ब्लॉग को एंड कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये क्लिप भी मैं शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वैसे तो मैं पहले ऐड कर चुकी थी पर कोई बात नहीं, ये क्लिप भी मुझे शेयर करनी थी। सो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।